हेलो स्टूडेंट्स, तो लीजिए मैं आ गया विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का रहस्य का पांचवा भाग लेकर के। एक और टिप है कि आप अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएंगे। तो किसी किसी छात्र की ये शिकायत होती है कि जब वे मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सिर दर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके मस्तिष्क में उतनी शक्ति नहीं है जो शक्ति जरूरत होती है मन को एकाग्र करने के लिए। तो मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर के पौष्टिक भोजन, टॉनिक, च्यवनप्राश आदि का भी सेवन किया जा सकता है। प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध, मक्खन तथा घी अवश्य लेना चाहिए। और एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर रोज दूध का सेवन करना है तो हो सके तो गाय के दूध का सेवन करो। सच ही कहा गया है कि सर्वं अत्यंतं गर्हितं तथापि ब्रह्मचर्य द्वारा रक्षित ऊर्जा ही सर्वोत्तम टॉनिक है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ सहज सुझाव दिए जाते हैं। एक और चीज़ है कि मैं कहना चाहूँगा, ये बात इसमें अभी नहीं लिखी है, हो सकता है कहीं आगे पीछे हो, कि जिन बच्चों को ना याद करने में दिक्कत होती है, याद रखने में दिक्कत होती है, उन्हें आंवला से संबंधित चीज़ें खानी चाहिए। च्यवनप्राश में आंवला होता है, त्रिफला में भी आंवला होता है, साथ ही अगर उपलब्ध हो सके तो ब्राह्मी, एक जड़ी बूटी है, उसका सेवन करना चाहिए। बाद में मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें एकाग्रता के लिए, याद रखने के लिए कुछ इस तरह के टिप्स शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं ब्रह्मचर्य के बारे में वो क्या है। पहला कि अपने अंतर में स्थित आत्मा के समक्ष सच्चे हृदय से ब्रह्मचर्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लिए प्रार्थना। दूसरा कि शरीर तथा मन को सदैव शुद्ध रखना चाहिए। शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, तो फिर तो आधी समस्या का हल यहीं पे हो गया। अगला पॉइंट कि मनुष्य जैसे बाघों तथा भेड़ियों से दूर भागता है, वैसे ही सावधान रहना होगा कि कहीं हम किसी असंयमित तथा कुछ अनुचित कार्यों में लिप्त छात्रों की संगत में ना पड़ जाएं। बैड कंपनी, बीवेयर ऑफ द बैड कंपनी। कंपनी का मतलब है संगत। जैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा वैसा तो आपका विचार होगा ही, आप रोक नहीं सकते उससे प्रभावित होने से। वैसे हमें उनकी आलोचना करने के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे भी कुछ समस्याएँ पैदा होंगी। तो अच्छा है कि ऐसे छात्रों से दूर ही रहा जाए। अगला टिप ये है कि एकाग्रता की प्राप्ति में उपयोगी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है श्रद्धा, रिस्पेक्ट की भावना। आपको अपनी पढ़ाई के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, किताबों के लिए, गुरु के लिए, शिक्षक के लिए, है ना। अगर आप उनके प्रति मन में श्रद्धा रखोगे तो किताबों का आदर करोगे, किताबों को संभाल करके रखोगे, किताबों के पाठ को भी अच्छे से पढ़ोगे, होमवर्क का भी ख्याल रखोगे। तो ये जो श्रद्धा या विश्वास है, ये बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा सद्गुण है जिसे अंतःकरण से ही विकसित होना है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी अवश्य ही इस श्रद्धा शब्द को सुना होगा, परंतु केवल कुछ लोग ही उसके अंदर निहित तात्पर्य को समझते हैं, और इस श्रद्धा की शक्ति से वे अपने चुने हुए मार्ग पर उन्नति करते हुए लक्ष्य तक भी पहुंच गए हैं। ये सफलता भी उन्होंने हासिल की है। तो विश्वास में ऐसी ही शक्ति है कि यह अध्य व्यवसायी साधक को आगे ही आगे बढ़ाती रहती है। अध्य व्यवसायी साधक कौन है? कि जो रोज अभ्यास करता है और तब तक जब तक कि वो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाता। यहाँ कोई पूछ सकता है कि ये श्रद्धा ऐसी कौन सी बला है जिसे आप इतना महत्व दे रहे हो? तो भाई, मनुष्य की अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास को ही तो श्रद्धा कहते हैं, इसी को आत्मविश्वास भी कहा जाता है। तो संभव है कि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बड़ी मजबूत हो लेकिन उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, तो शायद वह एक दुबले पतले कमजोर व्यक्ति से भी हार जाए, है ना। तो ऐसे में ये उसके किसी भी काम की नहीं होगी। हनुमान जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे परंतु वे चुप ही रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस कार्य को करने की क्षमता उनके अंदर विद्यमान है। परंतु जामवंत ने जब उनके विश्वास को जगा करके उन्हें प्रेरित किया, उन्हें उनके अंदर छिपी हुई उस शक्ति से प्रेरित कराया,
तो वह एक ही छलांग में लंका जा पहुंचे। ये होती है विश्वास की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति या श्रद्धा की शक्ति। तो प्रत्येक विद्यार्थी में अनंत ज्ञान का अर्जन करने की एक अद्भुत क्षमता छिपी हुई है। ये उसे पता है कि नहीं पता है, ये बात उस बच्चे के माता पिता को या उसके शिक्षक को पता जरूर हो जानी चाहिए। तो इसमें तो कोई डाउट करने की बात ही नहीं है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष क्षमता है। बात केवल इतनी सी है कि छात्र को उसकी अपनी अंतर्निहित शक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। संशय ही श्रद्धा का प्रबल शत्रु है। यह आपकी श्रद्धा को, विश्वास को, शक्तियों को कमजोर बनाता है, संशय करना, डाउट करना। ज्यों ही किसी संदेह का उदय होता है त्यों ही अंतर्निहित शक्ति जवाब देने लगती है और उसके बाद उसके लिए केवल अपने भाग्य पर रोना ही शेष रह जाता है। सो इस अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए कि मेरे अंदर में एक छिपी हुई शक्ति है? इसका उपाय है कि नियमित तथा सुसंबद्ध रूप से अध्ययन व चिंतन करना है ना। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए। छात्र को इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ स्टडी के लिए बैठना चाहिए। वो होना चाहिए कि मैं सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निश्चित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करूंगा। यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिसके द्वारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाता है। मन आपके इस वचन को सही करने के कर्म में तत्पर हो जाता है। आप चाहें तो इसे आजमा करके देख सकते हैं। तो वास्तव में श्रद्धा की महत्ता असीम है, अनलिमिटेड। अतः हमें मन ही मन कहना होगा कि हे श्रद्धा, तुम यदि साथ रहो तो मेरी विजय सुनिश्चित है और यदि चली जाओ तो मेरी सफलता तथा पतन अवश्यंभावी है। तो श्रद्धा, आत्मविश्वास, मेरे अंदर की छिपी शक्तियाँ, मेरे साथ में रहो। तो बच्चों, इसके साथ में ही ये चैप्टर 5 पाठ 5 मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने साथियों में शेयर करो जिसके अंदर भी तुम्हें आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है, जो पढ़ाई में सफल होना चाहता है लेकिन परेशान है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा, तो आप उसे मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं नए पाठ के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।